तो देवी और सज्जनों, वेलकम टू नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। यार ब्रेक नहीं लगाया करे दोबारा। तो देवी और सज्जनों वेलकम। तो भैया आज इंशाल्लाह रात को हमने निकलना है और ये बाइक सारे तैयार हो रहे हैं। ये आया ट्रेडर्स पे, भाई की शॉप है। और यहाँ पर यार ये लोग इतने मम्मी डैडी है, इसका मुझे आज पता चला। किसी एक से भी नहीं लग रहा है ये आपका बैग सीट रेस्ट नहीं होता। एनीवे मैंने अभी अपने बाइक के भी चेंज करने, वो इस बंदे के पीछे मेरा बाइक खड़ा है तो टाइम शॉर्ट है, मैं वो चेंज करूँ। तो देवी सजनो हम लोग तैयार हो चुके हैं, हमारे बाइक भी बिल्कुल रेडी है और बाकी की जनता टेक्सला हमारा वेट कर रही है। अभी हम टेक्सला जाएंगे और उसके बाद हमारा असली सफर शुरू होगा। ये सारी आवाम है जो जा रही है। यस यस, देवी और सज्जनों 1:10 हो रहे हैं और अभी हम स्कूल पंप पे सारे बाइक्स खड़े हुए हैं और निकलने वाले हैं। मेरी बाइक जिसका हमने 3 दफा आज काम कराया फिर भी क्लच खराब हो गया। ठीक है, 2 नंबर में क्या क्लच खराब है, बदकिस्मती है, हेड ऑफ फेस किस्मती है ये पीछे। जी आपको बाइक का विजिट कराते हैं, आओ जी। अच्छा ये सारी जनता है जो हमारे साथ इन्वॉल्व है कुमराग के टूर में, मेरी लाड़ी। ये जनाब जी ऋषि भाई की नंबर 1 सर। ये किसकी लाड़ी? हादी की लाड़ी। गाइस छोटे साइड हो जाए छोटे। ये आपके भाई की लाड़ी। हाँ ये जनाब अली साहब की लाड़ी जो के फैसलाबाद से आई है। ये हमजा की लाड़ी का नाम नहीं हम बता रहे आगे चले। ये एंड लाड़ी ये किसकी है यार? ये अनस की लारी। ये किसकी है? ये बैन की। ये पिंडी बॉय गए। ये पिंडी बॉय जो अपना मुंह छुपा रहे हैं। और ये बदकिस्मत बंदे की लारी। भैया बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है, एक छोटा सा हादसा हमारे साथ पेश आ गया। इनाम भाई, जिशान भाई और अहमद भाई का एक्सीडेंट हुआ, छोटा सा नहीं, अल्लाह ने बचाया है भाई। ये भाई हमारे मरीज हैं। नहीं यार मरीज नहीं है यार, मुझे यार मेरा हौसला तो पस्त करो यार। कहाँ पास जा रहा हूँ ये क्या यार, मुझे अल्फाज नहीं आ रहे इनके अफसोस में, इतना मुब्तला हूँ कि मैं अल्फाज भूल चुका हूँ। हमारे जो जिशान भाई है ना वो लाइसेंस होल्डर है, ठीक है, और उनका 22-व्हीलर ट्रक का जो लाइसेंस बना हुआ है, ठीक है, वो छोटी मोटी चीजें ऐसे ही चलाते हैं। हाँ ये इनाम भाई जरा आप अपने छोटे वाजिया कुछ कीजिएगा। अहमद भाई हैं, ये पूरा रास्ते आयतल कुर्सी पढ़ते आए हैं, इनकी अल्लाह की जात जिंदाबाद, माशाल्लाह से काफी बचत होगी। और जिशान भाई, जिशान भाई हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कहाँ कहाँ दर्द होता है? ऐसा लगा मेरा मजाक दिल में। सही थकावट हो चुकी है, कुछ बाइक्स आगे पीछे तो जो बाइक्स पीछे रह गए अभी हम उनका वेट कर रहे हैं। तो इस तरह रोड पे पड़े हुए सारे। भैया टाइम हो गया 4:07 और जिशान भाई ने एक बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट ढूंढा है क्योंकि हमें भूख लगी थी, जिसका नाम है KR3। यार ये आप हमारे बाइकर्स की हालत चेक करें। खैर ये तो इसका तो बनता है, इसको डैमेज हुआ है, ये चेक करें। ये दो आंखें खोली हुई हैं अभी फिलहाल। तकरीबन 8:30 क्या नाम था थल तो भैया हम तकरीबन 8:30 थल पहुंच चुके थे और फिर हम कंफ्यूज थे कि हम कैंपिंग करें या फिर हम यहाँ पे रूम बुक करें। फिर हमने सोचा फर्स्ट नाइट है तो हमें रूम बुक करना चाहिए और इस टाइम में फुल नींद हुई हम सो। बाकी स्टोरी आपको सुबह सुनाऊंगा और मैं भूल गया था कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ
और अभी बस हमारी सोने की तैयारी, हमने सोचा था हम रूम बुक करेंगे, हमारे मोबाइल भी चार्ज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ना इंसाफी की है। ये जो है ना, ये आपकी वापडा, ये उन्होंने बंद कर दिया। मैं अच्छा रह गया, मैंने पहले चार्ज कर दिया था, और ये हादी को चिंजा आया है। और ये अभी हमारे सोने का प्लान है यार, सुबह स्टोरी सुनाऊं। गुड नाइट। नहीं, ये होटलों में ऐसे करते हैं, ये स्टाइल होता है। भैया डोंट फोकस ऑन माय ड्रेसिंग। अभी हम आए हैं आबशार के पास, थोड़ी सी हाइक पर रही है, लेकिन बहुत सोनी वो राजा, बहुत प्यारी जगह। तो भैया अभी हमने कुमदार में कैंपिंग सीन ऑन किए, कैंप्स हमने रेडी कर दिए, और अभी भूख लगी थी तो मेहरबानी है हमजा भाई की, जो कि गोश्त चिकन वगैरह ले आए हैं, सब्जी सब्जी, तो हमने सोचा चलो खुद ही मनोरंजन करते हैं। और ये भैया हमारी कढ़ाई तकरीबन तैयार होने जा रही है। ये हमारे शेफ का नाम क्या है? शेफ कामरान, इनको प्रणाम। और ये हमारे अली भाई, जो कि सिर्फ देख देख के मजे ले रहे हैं। हाँ जी, लकड़ी होल्डर। ओह अच्छा, लकड़ियां काट रहा हूँ यार। लकड़ियां काट रहे हैं भाई। गुड मॉर्निंग देवी हो सजना। सीन ऐसा है कि अभी हमारी कुमराट में सुबह हुई है, और रात को तो अंधेरा था, कोई सीन नजर नहीं आया, लेकिन जब जागे हैं तो आए हाय हया का सीन दिखाते हैं। स्टे के लिए अपने कैंप लगाए जाए और उसमें रात गुजारी जाए, तो ऐसा मत करें, बिकॉज वंस अ लेजेंड सेड, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, और हमारे कैंप लीक हो जाते हैं। लेकिन हमने ये चीज फेस की थी, तो मेरा मशवरा यही है कि आप लोग ना करें। वहां पर कैंप भी होते हैं अवेलेबल, उनके कैंप बेटर होंगे, तरपाल थोड़ी बेहतर होगी, रूम भी अवेलेबल होंगे। और अब सीन ऐसा है कि द बाइक्स आर पैक्ड एंड वी आर अबाउट टू लीव दिस ब्यूटीफुल प्लेस कुमरा। ज्यादा अंग्रेजी झाड़ है भाई आप। चलो भाई, देखो पहनने का।